और मेरे डॉक्टर, क्या हाल तेरे? अरे क्या, तू भी मजे ले रहा? अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो यार। अरे बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मेरी पूरी फैमिली और खानदान के दवाइयों और ऑपरेशन की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? भाई अभी मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ यार। अरे बन जाएगा, अब करना ही क्या यार, तेरे को सिलेक्शन तो हो गया। इनफेक्ट मैंने तो तेरा नंबर भी डॉक्टर करके सेव। चुप, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तुझे नहीं, तेरे को हलवा लगता है क्या डॉक्टर बनना? नहीं यार, तू सुन और तुम भी सुनो। साले 10 लाख से भी ज्यादा लोग देते नीट का एंट्रेंस, उसमें से सिलेक्शन होता है हजारों का। और गलती से सिलेक्शन ना हो तो अचानक से साला पड़ोस में शर्मा जी का लोंडा पैदा हो जाता है, फिर घर वाले पूरे साल ताना मारते, देख उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। और रिलेटिव जिनको पता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी पूछेंगे बेटा नीट में क्या हो। बक गांडू, तुम्हें क्या करना है यार? डिप्रेशन होने लगता है भाई साहब, घिस घिस के पढ़ाई करके फिर नीट में निकलता है, और जब सिलेक्शन हो जाता उसके बाद असली स्ट्रगल चालू होती है। पहले दिन ही चोमू बना के रख देते हैं मेडिकल स्टूडेंट को, और एनसीसी का कैडेट ज्यादा लगते हैं। एडमिशन के टाइम पे बोला जाता है कि रैगिंग फ्री कैंपस है। साला जैसे ही कैंपस में कदम रखो तो सीनियर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे नवरात्रि के बाद नॉनवेज मिल गया उस सालों को। कौन सा सीनियर कौन सी डायरेक्शन से आके मार लेगा कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, कोई गारंटी नहीं। जो सीनियर मिले उसे सिर झुका के विश करो, जो प्रोफेसर मिले उसे सिर झुका के विश करो। आई कॉन्टेक्ट तो गलती से भी नहीं कर सकते भाई साहब। साला हम जितना झुकते हैं ना उतना तो नई नवेली दुल्हन नहीं झुकती है अपने घर वालों के सामने। और साला किस महान शख्स ने बोला है कि बाप सबसे ऊपर होता है, उस महान शख्स को बोल कि एक बार मेडिकल कॉलेज आए। बॉस होता है सबसे ऊपर, बाप से भी 300-400-500 फीट ऊपर होता है। बॉस ने बोला बैठ तो बैठने का, उठ तो उठने का, मूत तो मूतने का, मूत ना है तो भी मूतने का, पानी पी के मूतने का। साला जब मन पड़ता है 90 मरवा देते, और मारेगा तू नहीं मारेगा तो तोड़ देंगे साले तेरे को। साले एक बार अपने बाप का भी फोन मिस कर देगा तो चलेगा, पर बॉस का गलती से मत करना भाई साहब, गलती से भी मत करना। बॉस ने बोला तो करने का। ये तो चल हॉस्टल का सीन हुआ, जब फर्स्ट टाइम डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं ना तो फट के हाथ में आ जाती भाई साहब, डेड बॉडी सामने रख देते हैं और बोलते कट स्लाइस ओपन, कट स्लाइस ओपन। अरे केक है क्या यार, केक है क्या? और साला इतनी गंदी बदबू आती ना उसमें से, लोकल ट्रेन में जो पाते ना वो हमको परफ्यूम लगता है भाई साहब, परफ्यूम। नॉनवेज भी खाते तो डाइसेक्शन हॉल याद आता है हमको। हर 6 महीने में सेमेस्टर्स होता है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, साला देख के नींद आने लगती। पर नहीं, उसे पढ़ना है, पास भी करना है, पास नहीं करोगे तो सेकंड ईयर में नहीं जाओ। और साला जब सेकंड ईयर में जाते तो फर्स्ट ईयर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, साला वो कुछ भी करेंगे तो बॉस आपकी मारेंगे, उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे हमारी ही मारेंगे। बाहर साला सब लोग सेटल हो रहे होते हैं, शादियां कर रहे होते हैं, बच्चे कर रहे होते, हम साला यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, टट्टी सैंपल इसी में, और लव लाइफ तो भाई पूरी झंड हो जाती, पूरी झंड। मेडिकल की कोई लड़की भाव देती नहीं क्योंकि हरकतों से वाकिफ होती है, और बाहर की लड़कियां सोचती है कि मेडिकल का है तो गर्लफ्रेंड तो होगी, इसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं क्या यार, इसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं क्या? और ये सारा चुतियापा 4.5 साल तक झेलना पड़ता है, तब जाके MBBS कंप्लीट होती है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा लग जाता है। फिर ऊपर से 1 साल की इंटर्नशिप, PG, 10 साल लग जाते हैं अपना नाम बनाने, तब जाके बनता है एक सक्सेसफुल डॉक्टर। और तू चाहता है कि मैं तेरे पूरे खानदान का ऑपरेशन कर दूं अभी खड़े खड़े? चूतिया है क्या साले? सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ करना पड़ता, मुझे तो लगा। आओ पांडे, सुना डॉक्टर बन गया साला, अब तो मजा ही मजा है, लाइफ पे सेट हो गया तुम्हारा, बढ़िया है। डंडा दे तो भैंस। अरे